आज की ये वीडियो शुरू हो रही है हमारे एक कमेंट पे, जिनका नाम है डिजिटल असीफ करके। इन्होंने कमेंट किया है, इमेज अपलोड के लिए टिप्स पे वीडियो बनाओ। मैंने बहुत ट्राई किया बट GMB रिजेक्ट कर देता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जब भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे फोटो अपलोड करते हैं, इमेजेज अपलोड करते हैं, तो उसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, यदि बार बार ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि गूगल के द्वारा जो मेनली गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो सर्विस है, उस पर फोटो अपलोड करते समय किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ताकि हम जब भी फोटो अपलोड करें तो वो सक्सेसफुली पोस्ट हो सके, यानी कि उसके द्वारा रिजेक्ट न किया जाए। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। मैं अक्सर अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपसे अनुरोध होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। फिलहाल हम आते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि हम जो है क्या जो चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज है वायलेशन ऑफ कंटेंट पॉलिसी। जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की अपनी कंटेंट पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आप डिटेल जाकर के पढ़ सकते हैं। उसको समराइज हम करेंगे यहाँ पे कि हमें जब भी अपनी कोई ग्राफिक फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो वहां पर क्या उनकी पॉलिसी को, जो कंटेंट पॉलिसी है, वायलेट हो सकता है। उसमें सबसे पहली चीज है कि आपकी फोटो की पुअर क्वालिटी, यानी कि आपकी फोटो की ब्लर होगा या रेजोल्यूशन कम होगा, ओवरऑल वो बेहतर फोटो नहीं होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो वो आपके जो फोटो है वो गूगल द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जब भी आप फोटो अपलोड करें तो हाई क्वालिटी में अपलोड करें, रेजोल्यूशन परफेक्ट रखें और ब्लर ना रखें, तो आपकी फोटो पब्लिश होने की पॉसिबिलिटी 100% हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इन अप्रोप्रिएट कंटेंट। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो कोई एक्सप्लिसिट या वायलेंट या हेटफुल या ऑफेंसिव मटेरियल को कंटेंट न करता हो, उसमें इस तरह के जो कंटेंट होंगे तो वो रिजेक्ट हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वाटर मार्क्स और टेक्स्ट। आप जब भी फोटो अपलोड करें तो ध्यान रखें कि किसी की कॉपीराइट या किसी की वाटर मार्क, मेनली कॉपीराइट की वाटर मार्क भी हो सकता है, वाटर मार्क लगी हो, तो उस स्थिति में आपका वो जो फोटो है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वाटर मार्क में हो सकता है उसका लोगो होगा, उसकी अपनी जो गूगल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको सिक्योर करने के लिए कुछ किया हो, तो उस स्थिति में गूगल आपको वो रिजेक्ट कर देगा। चौथी चीज जो है वो प्रमोशनल कंटेंट। अब प्रमोशनल कंटेंट, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगा प्रमोशनल कंटेंट ही के लिए जब नहीं पोस्ट करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या। तो ध्यान रहे, प्रमोशनल का मतलब है कि आप फोटो जो बनाए हैं उस फोटो में यही नहीं कि बहुत एक्सेसिव टेक्स्ट डाल दिए, बहुत ज्यादा आप ब्रांडिंग कर दिए, आपकी ग्राफिक्स कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि इशारा करे कि ये प्रमोशनल है, लेकिन दिखने में आपको ग्राफिक्स ही लगे, फोटो ही लगे सिंपल तौर पे। तो जब आप बहुत ज्यादा इस तरह के प्राइसेस वहां इंक्लूड करते हैं, ऑफर बहुत सारा लिख देते हैं, तो उस स्थिति में रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी आप पोस्ट करें तो बहुत हेवी प्रमोशनल कंटेंट ग्राफिक्स का उपयोग न करें। तो ये पहली चीज थी कि आपको कंटेंट पॉलिसी को यदि वायलेट कर रहे हैं, वायलेशन में आपके कंटेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी जो कि इम्पोर्टेंट चीज है, आपका मिसमैच कंटेंट। अब ये मिसमैच कंटेंट का मतलब है कि आप अनरिलेटेड इमेज आप अपलोड कर रहे हैं। सपोज दैट कि आपकी किसी मानकर चलते हैं बाइक का, बाइक स्पोर्ट्स या मानकर चलिए किसी भी सैलून का फोटो है, सॉरी दुकान है, सर्विस है आपकी, लेकिन आप फोटो कुछ ही और चीज का अपलोड कर रहे हैं। जैसे आपकी बाइक का शॉप है, बाइक का शोरूम है, तो आप बाइक से रिलेटेड, अपने शोरूम से रिलेटेड आप यदि कोई पोस्ट अपलोड करते हैं, उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो ये तो समझ में आएगा। अब यदि बाइक का आपका शोरूम है और उस प्रोफाइल पर यदि आप ये अपलोड करें हार्डवेयर के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में, कुछ ऐसी चीजें
जो कि आपसे रिलेट न करता या कोई अदर सर्विसेज का, तो उस स्थिति में ये आपकी कंटेंट मिसमैच माना जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्टॉक फुटेज, फोटो जो होते हैं उसको भी ज्यादा आप उपयोग करेंगे, जो कि जेनरिक फोटो तौर पे होता है, सभी लोग उपयोग करते हैं, तो वैसे फोटो भी गूगल द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको भी ऐसे फोटो से बचना होगा, कम से कम उपयोग करना होगा, यानी कि आप देखें कुछ पार्ट 10-20% यदि फोटो डाले तो 20% में उसका काम हो जाता है, तो उपयोग करते हैं तो मोस्टली वो अप्रूव हो ही जाता है। लेकिन बार बार यदि आप देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जा रहा है, तो इस चीज को ध्यान देंगे कि कंटेंट तो हमारा अनरिलेटेड इमेज तो नहीं ना हो पा रहा है, स्टॉक फोटो तो ज्यादा यूज नहीं ना कर लिए हैं, और सबसे बड़ी बात डुप्लीकेट फोटो, यानी कि आप एक ही फोटो बार बार तो नहीं ना अपलोड कर रहे हैं, आप कल भी अपलोड किए थे, आज भी अपलोड कर रहे हैं, फिर मान लीजिए परसों भी अपलोड करेंगे, तो मे बी ये गूगल के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, तो आप इस चीज का खासा ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है वायलेशन टर्म्स ऑफ सर्विस, यानी कि जो आपके सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेजेज, फोटो, जो भी कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो आपका होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपके हो सकती है मैनिपुलेटेड इमेजेज हो, अब मैनिपुलेटेड का मतलब हो गया कि किसी भी बिजनेस को मिस रिप्रेजेंट करने के लिए या लोकेशन को आप फ्लैग करने के लिए वो फोटो यदि आप अपलोड कर रहे हैं, किसी बिजनेस को टारगेट करते हुए, आप अपने कंपटीटर को टारगेट करते हुए, तो उस स्थिति में वो आपके फोटो रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है आपकी जो कि है अनऑथराइज फोटो, यदि आप किसी लोग का फोटो अपलोड कर रहे हैं और डायरेक्टली उनकी फेस आ रहे हैं, और उस स्थिति में यदि उनकी कोई परमिशन नहीं है, तो मे बी आपका ये जो है गूगल द्वारा डिसअप्रूव किया जा सकता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब जो चौथी चीज है वो है आपका इन करेक्ट फोटो फॉर्मेट। अब इन करेक्ट फोटो फॉर्मेट का मतलब क्या है कि अक्सर जो हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर फोटो अपलोड करते हैं जनरली जेपीजी या पीएनजी में होता है, इसके अलावे किसी और साइज में यदि आप फोटो अपलोड करते हैं तो मे बी वो रिजेक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखे होंगे कि गूगल ने लिमिट कर रखा है कि इतने बाय इतने रेजुलेशन और इतने एमबी तक का ये फोटो होना चाहिए, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा एमबी का भी अपलोड करते हैं तो अपलोड हो जाता है, तो कई बार हमारी अपलोड सक्सेसफुल रहती है और कई बार ये अपलोड सक्सेसफुल होने के बाद वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आप ऐसा ना समझे कि अरे वो तो बोला है कि 100 MB तक करना है, हम तो ये 250 MB का कर दिया, अपलोड तो हो गया, लेकिन खुश ज्यादा देर होने की जरूरत नहीं होती है, कई बार आपको वो गूगल के द्वारा रिजेक्ट भी कर दिया जाता है अपलोड होने के बाद। तो आप इसका ध्यान जरूर रखें कि जो फोटो है आपका वो आपके करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के जो रिजोल्यूशन है, साइज है, उसको ध्यान में रख करके ही अपलोड करें। और यदि ये सारी चीजें, चार चीज हमने बात की, चारों में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसफुली है, और पांचवा पॉइंट होता है यूजर रिपोर्टिंग, यदि कोई यूजर रिपोर्ट मार रहा है कि नहीं वो जो आपका फोटो है कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट है, तभी आपके उस फोटो को गूगल द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। खास तौर पे आपको ध्यान देना है जहां ऑफर वाली बात होती है, तो ऑफर के लिए तो हम लोग है जैसे कि आप 30% ऑफ और वहीं आप लिखिए अप टू 50% ऑफ, तो कहीं ना कहीं आपके मिसलीडिंग भी हो रहा है। अप टू 50% का मतलब क्या हुआ भाई, आप 10 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, तो इस चीज को गूगल रिजेक्ट कर देता है। कई बार हमने भी ये चीज को ट्राई किया लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं हो पाता है, वो रिजेक्ट कर देता है। जबकि आप सीधा फ्लैट लिखे 30% ऑफ 50% ऑफ तो वहां जनरली आपका अप्रूव हो जाता है। ओवरऑल मैंने ये पांचों आपके पॉइंट पर जो डिस्कस किए इसमें कुछ एक्सेप्शन भी देखे गए हैं। एक्सेप्शन ये है कि मैं बता रहा हूं कि आपको ज्यादा ब्रांडिंग नहीं करनी है, ये गूगल की पॉलिसी है, बट कई बार होता है कि हम लोग का कुछ फोटो अपलोड हो जाता है सक्सेसफुली, तो कुछ ड्रॉबैक्स या एक्सेप्शन कह सकते हैं, तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपको लग रहा है कि नहीं ये तो पोस्ट करना मेरे लिए जरूरी है, तो आप उसको एक बार ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बार बार इस चीज को दोहराए नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमने बात की है आपके कमेंट के आधार पे।
यदि आप वीडियो देखे लास्ट तक, आपको कुछ भी इससे लगा कि सही में यूजफुल कंटेंट है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हो तो। और आपके भी पास किसी तरह की क्वेश्चन या मेरे लिए सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मे भी अगला वीडियो आप ही के कमेंट के आधार पर हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।